आज बच्चों गीत नंबर 3 है। गीत नंबर 3 ये चांद गीत से लिया गया है और इसमें बताया गया है कि महादेवी वर्मा विरह की अनन्य गायिका है। विरह की अनन्य गायिका है, विरह उनके काव्य का प्राण तत्व है। प्रस्तुत गीत में उन्होंने बदली बादल का एक छोटा सा रूप के साथ अपने जीवन एवं व्यक्तित्व का साम्य स्थापित किया है। गीत में सांग रूपक अलंकार का प्रयोग विशेष उल्लेखनीय, ये भी रहस्यवादी गीत है, इसमें भी रहस्य छिपा हुआ है। भाई वियोग श्रृंगार रस के दो भाग होते हैं, एक होता है संयोग, एक होता है वियोग। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, रति का शाब्दिक अर्थ होता है प्रेम। तो संयोग हो वियोग हो, संयोग है मिलन, वियोग है बिछड़ना, अलगाव, तो प्रेम तो दोनों में रहता है ना। महादेवी वर्मा जी ने सिद्ध कर दिया कि संयोग में तो प्रेम कम होता है लेकिन वियोग में ज्यादा होता है, क्योंकि वियोग में नायक हो या नायिका हो, प्रेमी हो या प्रेमिका हो, जो भी हो, उनकी एक दूसरे की याद अधिक करते। तो इसलिए ये विरह की अनन्य गायिका, चूंकि 9 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हुआ और स्वरूप सुंदर न होने के कारण, अंग्रेजी क्या कहते हैं ब्यूटी को, न होने के कारण इनको इनके पति ने त्याग दिया, बल्कि परित्याग कर दिया। पति का इनका कोई संबंध नहीं। अब ये पति को ही आज भी जब तक इनका जीवन रहा ये ईश्वर के रूप में उनको पति ही मानती है। तो ईश्वर को मान करके, पति को मान करके, क्यों, इसी के लिए पति भी परमेश्वर होता है, ईश्वर होता है। तो ये कविताओं में, इनके जो गीतों में है, रहस्य छिपा हुआ है। इसमें भी रहस्यवादी कविता है और उन्होंने अपना परिचय दिया। क्या, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचे, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नौ रंग तुलते दुकूल, छाया में मलय भयार पली, मैं क्षितिज भ्रकुटि पर गिरि धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रजकण पर जल कण हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन, पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुधि मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत की, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहासे यही, उमड़ी गलती मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। इन्होंने अपने जन्म से लेकर के मृत्यु तक का पूरा इस गीत में सार है, ये इसका रहा। वियोग की तो अनन्य गायिका है लेकिन जन्म से लेकर के मृत्यु तक का पूरा रहस्य इसमें छिपा हुआ है, इसलिए भी गीत उनका रहस्यवादी। अब रहस्य क्या है देख लीजिए। मैं नीर भरी दुख की बदली, नीर माने जल, पानी, जैसे एक बादल का छोटा रूप, बादल की एक छोटी टुकड़ी, उसी तरह मैं हूं स्पंदन में चिर निस्पंद बसा। अरे कहने का मतलब है स्पंदन माने होता है गतिशील और निस्पंद माने होता है स्थायी, स्थिर, स्थिर और अस्थिर, ये मान लीजिए। तो मेरा जीवन जो गतिशील था वो स्थायी हो गया, कहने का भाव।
क्रंदन में आहत विश्व हसा। जब कोई क्रंदन करता है, रोता है ना, तो संसार के लोग पूछते हैं क्यों, रोने का हेतु क्या है, कारण क्या। तो संसार के लोग क्या करते हैं, हंसते हैं। क्रंदन में आहत विश्व हसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्धरणी मछली, नए नए विचार नेत्रों में आते हैं, है ना। नयनों में दीपक से जलते, नए नए विचार व्यक्ति के अंदर आते हैं। और जैसे तमाम दीपक जलाए जाते हैं, और आपको कहा जाए कि दीपक देखिए कितना प्रकाश दे रहे हैं, कितने दीपक हैं। पलकों में निर्धरणी मछली, और जब पलके बंद कर लो तो जानते हो दुख के कारण निर्धरणी मछली जैसे झरने झरते, पहाड़ों से झरने झरते हैं, आपके अश्रु बहते हैं। मेरा पग पग संगीत भरा, मेरा एक एक कदम चला चलना संगीत मैं था। बचपन की बात है, श्वासों से स्वप्न पराग जरा, जो मैं श्वास लेती थी स्वप्न देखती थी। तो जैसे पौधों में परागण प्रक्रिया होती है, उसी तरह घर के लोग मेरे प्रसन्न होते हैं। नव के नव रंग बुलते, दुकूल दुकूल माने दुपट्टा, नौ रंग नए नए, नौ माने नया। जैसे आकाश को देखते हैं, आकाश में कई प्रकार के रंग दिखाई पड़े, नीला भी पड़ता है, सफेद भी दिखाई पड़ता है, बादल आ जाते, कई रंग दिखाई पड़ते हैं। छाया में मलय बयार पली, और मैं अपने माता पिता परिवार के साथ इस प्रकार मेरा पालन पोषण हुआ। जैसे मलय पर्वत पर वायु रहती। अच्छा, मलय पर्वत का वर्णन क्यों किया गया, क्योंकि मलय पर्वत में मलय गिर के नाम से प्रसिद्ध है मलय पर्वत, वहां चंदन के बहुत पेड़ हैं। जो ये चंदन, हमें चंदन दो प्रकार का होगा, एक मलय गिर चंदन, एक रक्त चंदन, लाल चंदन। तो मलय गिर की जो ओरिजिनल क्वालिटी उसकी है, तो उसमें सुगंध बहुत है। उसको आप, उसकी लकड़ी आप 10 साल की हो, 20 साल की हो, 50 साल की पुरानी हो, और उसको हाथ में ऐसे ठोकेंगे, ठोकने के बाद यह हाथ में आपके सुगंध हमेशा बनी रहेगी, बहुत देर। शीतल भी होता है इसमें, सर्द लिप्त रहते हैं। तो अब जब जिस लकड़ी कटने के बाद, सूखने के बाद काफी समय तक उसमें सुगंध बनी रहती है, तो वहां पर रहने वाली वायु कितनी अच्छी होगी, कितनी शीतल होगी, कितनी सुगंधित होगी, है ना। तो इसी प्रकार मेरा पालन पोषण, छाया में मलय बयार पली, और मैं क्षितिज भ्रिकुट में पर घिर धूमिल पदचित, मैं क्षितिज भ्रिकुट भ्रिकुट पर घिर धूमिल चिंता का भार बनी अविरल। जैसे ही मेरा विवाह हो गया, घर से थोड़ा सा कुछ दूरियां हो जाती, विवाह होने के बाद चिंता का भार बनी अविरल, मैं एक बोझ बन गई परिवार के लिए, है ना। जैसे कोई बादल की एक टुकड़ी आवे, आने के बाद वो चली जाए, फिर आए फिर चली जाए, ना बरसे तो लोग सोचते हैं कि बार बार आती है, होता नहीं है। चिंता का भार बनी अविरल, रजकण पर जल कण हो बरसी, अचानक जैसे एक से बादल का छोटा टुकड़ा बरस जाए। नवजीवन अंकुर बन निकली, तो मैंने अपना नया जीवन प्रारंभ किया। जैसे बादल का एक छोटा सा टुकड़ा आके बरस जाए, तो इस पृथ्वी पर धरा पर पड़े हुए तमाम छोटे बड़े बीज जो होते हैं, वो अंकुर के रूप में नमी पाकर के निकल आते हैं। तो मैंने अपना नया जीवन प्रारंभ किया। नवजीवन अंकुर बन निकली, पद को न मलिन करता आना, जिस मार्ग में चलो उसको गंदा मत करें, पद चिन्ह न दे जाता जाना, और उस मार्ग में ऐसा काम करें कि न रहने के बाद भी लोग याद करें। सुधि मेरे आगम की जग में सुखती सिहरल हो अंत खिली, और जब मेरा इस संसार में आगमन हुआ, तो मेरा अंतिम समय जो है बड़ा सुखपूर्वक निर्वाण हुआ, और
मेरा विकास जो हुआ इस प्रकार जलभ्रष्ट होने के बाद मैं बीज पौधे के रूप में बड़ा हुआ और बड़े होने के बाद उसमें पुष्प वगैरह या फल लगना शुरू हो गए। विस्तृत नभ का कोई कोना, इतना बड़ा संसार है, विश्व है, कि इस संसार का कोई भी किनारा, कोई भी ऐसा व्यक्ति मेरा न कभी अपना होता। ये पति को अपने उपालंबने है बुलाना जो है तो मेरा नहीं हुआ, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, यही मेरा परिचय है, यही मेरा संपूर्ण जीवन का इतिहास है। और उमड़ी कंथी मिठास चली, आज जैसे बादल का कोई टुकड़ा आकर के बरस जाए, बरस होने के बाद वो गायब हो जाए, बस मेरा जीवन उसी प्रकार। बच्चों धन्यवाद, अगले पाठ में अगले वीडियो के साथ कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।